बात करते हैं दूसरी खबर जो खाद्य तेलों से है। बता दें इंडोनेशिया द्वारा पाम आयात के एक्सपोर्ट पर लगाई गई रोक हटाने का एहतियात करने के बाद भारत में खाद्य तेलों का थोक भाव कितना कम हुआ है, तो ये सवाल सबके मन में बना हुआ है। तो बता दें अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के मुताबिक एक्सपोर्ट पर रोक हटाने के बाद 4 रुपए प्रति किलो की गिरावट आई है। जून के पहले तक 7 रुपए की और गिरावट हो सकती है। वहीं इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक और निर्यातक है, इसलिए यहाँ से एक्सपोर्ट पर रोक लगने के कारण भारत सहित कई देशों में खाद्य तेल के जो दाम है उसमें वृद्धि हो रही थी, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पहले ही सूरजमुखी तेल की सप्लाई बाधित है। वहीं ऐसे में इंडोनेशिया द्वारा एक्सपोर्ट से रोक हटाने के ऐलान से उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष शंकर ठक्कर ने कहा है कि 17 मई तक पाम ऑयल का थोक भाव 156 रुपए प्रति किलो था, जबकि प्रतिबंध हटने के ऐलान के बाद अब 24 मई को इसका दाम 152 रुपए है। जो माल वहां टैंकरों में रुका पड़ा है उसके यदि इंडोनेशिया सरकार तुरंत रिलीज कर दे तो वह 10 दिन बाद भारतीय बाजार में आ जाएगी, यानी जून के पहले सप्ताह में हमारे यहां पामोलियन आ जाएगा, तो रेट डाउन होकर 145 रुपए तक रह जाने का जो है अनुमान है, यानी उपभोक्ता को 11 रुपए प्रति लीटर का फायदा होगा। वही खाद्य तेलों के मामले में भारत अभी तक आत्मनिर्भर नहीं हुआ है। यहाँ खाद्य तेलों की मांग और आपूर्ति में करीब 56% का अंतर है। वहीं भारत में खाने वाले तेल की डिमांड करीब 250 लाख टन है, जबकि उत्पादन का औसतम महज 112 लाख टन है। ऐसे में हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इंडोनेशिया, मलेशिया, रूस, यूक्रेन और अर्जेंटीना जैसे देशों में पाम ऑयल, सूरजमुखी का तेल और सोयाबीन आयात करते हैं। वहीं जिसमें लगभग 65-70% हिस्सा पाम ऑयल का होता है जो इंडोनेशिया से आता है, जबकि 30% खाने का तेल मलेशिया, रूस, यूक्रेन और अर्जेंटीना से आता है। भारत ने 2020-21 में 83 लाख टन पाम ऑयल का इम्पोर्ट किया था। साल 2021-22 में 38.50 मिलियन टन तिलहन उत्पादन का अनुमान है, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। इस साल सरसों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है क्योंकि किसानों को अच्छा दाम मिलना शुरू हो गया है। देश की ज्यादातर मंडियों में सरसों और सोयाबीन जैसी तिलहनी फसलों का दाम MSP से अधिक है। वहीं सरसों का MSP 5,050 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन बाजार भाव 8,000 रुपए तक है। कृषि विशेषज्ञ का कहना है कि अच्छा दाम मिलने लगेगा तो किसान खुद ही तिलहन फसलों का रकबा बढ़ा देंगे। वहीं फिलहाल केंद्र सरकार इस दिशा में प्रयासरत दिखाएगी। वहीं इसलिए राष्ट्रीय तिलहन मिशन के तहत 19,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान है। इसी तरह पाम ऑयल मिशन पर 11,040 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। पाम की खेती 3.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में आगे बढ़ाकर 10 लाख हेक्टेयर तक करने की मुहिम चल रही थी। इन कोशिशों से हम खाद्य तेलों का आयात काफी कम कर पाएंगे।